पोस्टमार्टम के बाद बाबा सिद्दीकी का पार्थिव शरीर बांद्रा उनके घर पहुंच गया है। परिवार और करीबी लोग इस दुखद घड़ी में उनके अंतिम दर्शन के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही है। रात 8:30 बजे उनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा। कल देर रात मुंबई के बांद्रा ईस्ट में गोली मारकर बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी। बताया तो ये भी जा रहा है कि उनको सीने और पेट में 3 गोलियां लगी हैं। वो अपने बेटे जिशान सिद्दीकी के दफ्तर गए हुए थे और इसी वक्त उन पर अचानक ये हमला किया गया। और बड़ी खबर आपको बता दें, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। एक वायरल पोस्ट है, वायरल पोस्ट में हत्या की जिम्मेदारी ली गई है। पोस्ट में लॉरेंस गैंग से जुड़े होने का ये दावा किया जा रहा है। न्यूज 8 इन इंडिया हालांकि इस वायरल पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है, तस्दीक नहीं करता है, लेकिन इस बीच जिस तरीके से आरोपी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ जुड़े हुए हैं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की क्या भूमिका है, इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन ये वायरल पोस्ट हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वायरल पोस्ट में हत्या की जिम्मेदारी ली गई है। पोस्ट में लॉरेंस गैंग से जुड़े होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि न्यूज 8 इन इंडिया इस वायरल पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन तेजी से ये पोस्ट जो है वो वायरल हो रहा है। इसमें साफ तौर पर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। और बाबा सिद्दीकी के मर्डर पर सबसे एक्सक्लूसिव कवरेज न्यूज 8 इन इंडिया पर आप देख रहे हैं। हमारी टीम ने इस केस से जुड़ी 5 एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स आपको दी हैं, जो इस केस की इनसाइड स्टोरी आपको बता रही हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि न्यूज 8 इन इंडिया पर रोहित गोदारा ने कहा था कि सलमान के दोस्त भी इसके निशाने पर हो सकते हैं। ये उनकी तरफ से खुलासा किया गया था। ये सबसे बड़ा अपडेट जो है न्यूज 8 इन इंडिया ने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। दूसरा सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव सुपर एक्सक्लूसिव अपडेट ये है कि 3 नहीं 4 शूटर, जी हाँ, 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है, तीसरा फरार बताया जा रहा है, हालांकि उसकी पहचान कर ली गई है। 3 नहीं 4 शूटर, चौथा शूटर फोन पर बाकी 3 शूटर से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। तीसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि 2 महीने से रेकी की गई थी, सुपारी देने वाले 2 लोगों की पहचान कर ली गई है। तो बकायदा रेकी की गई थी उनके घर की, उनके ऑफिस की, और उसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। चौथा सबसे बड़ा एंगल ये निकल कर आ रहा है कि स्लम रीडेवलपमेंट का विरोध जो है बाबा सिद्दीकी कर रहे थे और इसी मामले में उनकी सुपारी दी गई है। ये एक नया एंगल निकल कर आ रहा है। पांचवी सबसे बड़ी खबर जो है ये सामने आई है कि मर्डर के अब 4 एंगल जो है सामने आ रहे हैं। सबसे पहले सलमान से दोस्ती, अंडरवर्ल्ड का हाथ हो सकता है, राजनीतिक रंजिश या कोई बिल्डर लॉबी इसके पीछे हो सकती है। जिस वक्त मुंबई में दशहरा और पटाखों की गूंज थी, ठीक उसी वक्त गोलियों की तड़ताहट से महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को गोलियों से भून दिया गया। मुंबई के बांद्रा इस इलाके में बाबा सिद्दीकी पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, उनके सीने में गोलियां लगी जिससे उनकी मौत हो गई। मुंबई की पुलिस क्राइम ब्रांच के लोग बाबा सिद्दीकी की हत्या की हर एंगल से जांच में जुटे हैं। हर एक साजिश पर तफसील से पड़ताल की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड में शक की सुई सावनबती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई पर भी घूम रही है। ऐसे में बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे ये 3 एंगल सामने आ रहे हैं। पहला, फिल्म अभिनेता सलमान खान से दोस्ती, दूसरा अंडरवर्ल्ड का हाथ, और तीसरा राजनीतिक रंजिश। इन 3 वजहों से बाबा सिद्दीकी की हत्या की आशंका जताई जा रही है। बाबा सिद्दीकी की हत्या सलमान से दोस्ती, ऐसा इसलिए क्योंकि बाबा सिद्दीकी की गहरी दोस्ती सलमान से थी। पूरी दुनिया सलमान खान से उनकी यारी से वाकिफ थी। बाबा सिद्दीकी ने साल 2013 में अपनी इफ्तार पार्टी में सलमान खान और शाहरुख खान के बीच लंबे समय से चल रहे मतभेद को सुलझाया था, दोनों को एक दूसरे के गले मिलवाया था। और वहीं दुनिया में ये भी जाना जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान का जानी दुश्मन है। लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को मारना चाहता है, इसी वजह से बाबा सिद्दीकी की हत्या में शक की सुई लॉरेंस की ओर भी घूम रही है। इस बीच खबर ये भी है कि गुजरात की साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई बंद है, वह पिछले 9 दिनों से मौन व्रत पर था। बाबा सिद्दीकी
की हत्या मामले में पुलिस सुपारी किलिंग एंगल से भी जांच में जुटी है। इस दौरान बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे अंडर वर्ल्ड का भी हाथ होने की भी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि मुंबई में जमीन को लेकर बाबा सिद्दीकी और भगोड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के एक करीबी के बीच विवाद हो गया था। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उस मामले में बाबा सिद्दीकी को अंडरवर्ल्ड से धमकी भी मिली थी। इसके साथ ही जांच से यह भी पता चला है कि ये हमला स्लम पुनर्वास प्राधिकरण परियोजना पर विवाद से जुड़ा हो सकता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या राजनीतिक रंजिश। बिहार के रहने वाले बाबा सिद्दीकी ने राजनीति की शुरुआत छात्र नेता के तौर पर की थी। 3 बार विधायक रहे, मंत्री रहे। बाबा सिद्दीकी का राजनीतिक करियर काफी अच्छा रहा। हो सकता है इस दौरान उनका कोई राजनीतिक दुश्मन बन गया हो, इसलिए पुलिस राजनीतिक रंजिश के एंगल से भी जांच कर रही है। चलिए अब आपको बताते हैं कि बाबा सिद्दीकी का कत्ल कैसे किया गया। वारदात में कुल 4 आरोपी शामिल थे, ये जानकारी निकल कर आ रही है। एक शूटर बाबा सिद्दीकी पर नजर रख रहा था, बाकी 3 शूटर्स को एक शूटर जानकारी दे रहा था जब ये कत्ल किया गया। शाम 7:30 बजे विधायक बेटे के दफ्तर बाबा सिद्दीकी पहुंचे थे, जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। बाबा सिद्दीकी पर ताबड़तोड़ 6 गोलियां चलाई गई। बाबा सिद्दीकी को 3 गोलियां लगी हैं, 1 गोली से एक दूसरा व्यक्ति जख्मी हुआ है। जानकारी भी निकल कर आ रही है कि दशहरे की सुरक्षा में तैनात पुलिस ने 2 शूटर्स को वहीं पर पकड़ लिया। 2 आरोपी भीड़ में छिप गए और वहां से फरार हो गए। लेकिन आपको बता दें, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट जो है न्यूज 18 इंडिया पर सामने आ रही है। क्राइम ब्रांच ने 3रे आरोपी की भी पहचान कर ली है, ये दावा किया जा रहा है क्राइम ब्रांच की तरफ से। सूत्रों के मुताबिक 3रे शूटर का नाम शिव कुमार बताया जा रहा है, वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है। बताया तो ये भी जा रहा है कि 2 शूटर उत्तर प्रदेश के बहराइच के रहने वाले हैं, जबकि 1 शूटर हरियाणा के कैथल का रहने वाला बताया जा रहा है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने ये दावा किया है कि जल्द ही 3रे शूटर की भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो 2 शूटर जिनकी पहचान कर ली गई है, 1 हरियाणा से है और 2 शूटर जो है वो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। शिवा है, उसकी माँ मेरे साथ है, वो बताएंगे कि कब इनका बेटा बॉम्बे गया था, क्या काम करने गया था, उनकी माँ मेरे साथ है, आप बताइए। भैया पूना गए हैं, हरीश नाम करे लड़का थे, भंगार के काम करे, वो भंगार के काम करत रहे। उसके बाद हमका कोई बात नहीं रहा है कि ये की बम्बई में है कि कहाँ, हमका पता यही है कि पूना में है।